देखते हैं आज दिन भर की फटाफट खबरें। एक बार फिर विस्फोटों से दहला काबुल और उत्तरी अफगानिस्तान, 16 लोगों की मौत। मानवाधिकार की जांच करने पहुंची यूएन की टीम, क्रूरता पर पर्दा डाल रहे शी जिनपिंग। आज दिल्ली में छाए रहेंगे बादल और एमपी बिहार में होगी बारिश। मेघालय बोर्ड ने जारी किया 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम। ईडी की बड़ी कार्रवाई, कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार के खिलाफ चार्जशीट की दायर। हल्द्वानी में पार्किंग शुल्क के विरोध में ट्रांसपोर्टरों ने फीता बांधकर किया प्रदर्शन। अल्मोड़ा पहुंचे उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार। नैनीताल के राजभवन पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल, प्रशासनिक अधिकारियों ने किया स्वागत। पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया माउंटेनिंग साइकिलिंग का शुभारंभ। चंपावत में विराट कवि सम्मेलन में पहुंचे प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास। बाजपुर में पुरानी रंजिश के चलते युवक की लाठी डंडों से पीट कर की हत्या। उधम सिंह नगर में वरिष्ठ भाजपा नेता ने प्रेस वार्ता कर किच्छा विधायक की कार्यप्रणाली पर खड़े किए सवाल। सितारगंज में अवैध खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में उपखनिज से भरी 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किया सर्ट। अल्मोड़ा में 57 किलो गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बंगाली एक्ट्रेस विदिशा ने किया सुसाइड, पंखे से लटका मिला 21 साल की अभिनेत्री का शव। चारधाम यात्रा पर जा रहे 6 यात्रियों की हादसे में मौत, गैस सिलेंडर फटने से दुर्घटना। जसपुर में बढ़ते अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस ने की एक अच्छी पहल। बक्सर में ग्रामीणों ने की गबन के आरोपी राशन डीलर की दुकान निरस्त करने की मांग। हैदराबाद पहुंचे पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा तिजोरियां भरने में लगी थी परिवारवादी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने वैश्यवृत्ति को माना पेशा, अब परेशान नहीं करेगी पुलिस। यासीन मलिक को मिले उसके गुनाहों की सजा, पाकिस्तान का चेहरा भी हो गया बेनकाब। अजमेर दरगाह, टीपू सुल्तान के महल का सर्वे कराने की उठी मांग, मंदिर की जमीन पर कब्जा करके महल बनाने का आरोप। सांसद नवनीत राणा को मिली जान से मारने की धमकी, दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एनकाउंटर, लश्कर से 3 आतंकी ढेर। क्लर्क बने नवजोत।